हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आपका भाई हाजिर है नई वैकेंसी के साथ। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से, ONGC की तरफ से बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर पाएंगे। इसी के साथ साथ अगर आप 10वीं पास है तो भी एलिजिबल है, अगर आप 12वीं पास है तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे IT कर रखा है तो भी एलिजिबल है, डिप्लोमा कर रखा है तो भी एलिजिबल है, BBTech कर रखा है तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे MEMTech कर रखा है तो भी एलिजिबल है, अगर आपने यहाँ पे सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है जैसे BA, BCom, BSc, BBA, BCA तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपका परमानेंट जॉब रहेगा, सैलरी बढ़िया रहेगी और यहाँ पे लार्ज स्केल पे हायरिंग देखने को मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बात की जाए तो 1748 वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। और इसको YouTube पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ, इसी बात पे वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जैसे कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मैंने आपको बता दिया कि 10वीं पास से लेके यहाँ पे अगर आपने BBTech कर रखा है या फिर अगर आपने MEMTech कर रखा है या फिर अगर आपने यहाँ पे BA, BCom, BSc कर रखा है, 12वीं कर रखा है, IT कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, सभी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का पूरा प्रोसेस मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। जो स्टेप्स मैं आपको वीडियो के अंदर बता रहा हूँ अगर आप उनको अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप अपने मोबाइल से भी इसको अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा बिना स्किप किए। और यहाँ पे आपका सैलरी जो रहेगा, मैं अराउंड बता देता हूँ कि स्टार्टिंग सैलरी जो आपको देखने को मिलेगा किसी पोजीशन के लिए 25,000 रुपये आपको देखने को मिल जाता है 25K, और किसी पोजीशन के लिए यहाँ पे आपको 90K तक देखने को मिल जाता है, 90,000 रुपये तक आपको देखने को मिल जाता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई वहाँ पे कर रहे हैं। तो अप्लाई प्रोसेस को जान लेते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना, यहाँ पे जो वीडियो के लाइक का टारगेट रहेगा वो आपका रहेगा 900+। आपको लाइक करवा देना है, अपने दोस्तों के अंदर भी वीडियो को शेयर कर देना है ताकि वो सभी लोग इसके लिए अप्लाई कर सके। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो आप ये वीडियो देखते हो उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन कमेंट करके बता देना कि आपने कर क्या रखा है और अभी आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी के कमेंट में पढ़ता रहता हूं। और आई होप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वही अपडेट भी प्रोवाइड करवा दूंगा जो आपने कमेंट करके मुझको बताया है। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में। देखिए यहाँ पे जो आपको वैकेंसी देखने को मिलता है, ONGC की तरफ से प्राइवेट कंपनी के साथ एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, क्योंकि ONGC काम करता है ऑयल एंड नेचुरल गैस के अंदर और जो वो प्राइवेट कंपनी है वो भी ऑयल एंड नेचुरल गैस में काम करती है। तो दोनों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, उसी के रिगार्डिंग वैकेंसी आपको देखने को मिल जाता है। और जो प्राइवेट कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जियो ग्रुप, ये काम करता है यहाँ पे ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर, पावर सेक्टर के अंदर, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर और भी अदर सेक्टर में ये वर्क करता है। लेकिन यहाँ पे जो भी इनका रिसेंटली प्रोजेक्ट चल रहा है वो चल रहा है यहाँ पे ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर। मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकी जो गवर्नमेंट सेक्टर की क्लाइंट कंपनी है उसके अंदर बहुत सारी कंपनी आपको देखने को मिलेगी। इन्होंने यहाँ पे CPWD के साथ काम कर रखा है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने काम कर रखा है जो आपका रहेगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, यहाँ पे काम कर रखा है IOCL के साथ, गेल के साथ काम कर रखा है। और रिसेंटली जो इनका प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है वो चल रहा है यहाँ पे ONGC के साथ, ठीक है। बहुत सारे PSU के साथ इन्होंने ऑलरेडी वर्क कर रखा है, लेकिन यहाँ पे जो आपका अभी रहेगा वो ONGC के साथ यहाँ पे इनका प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ इनके कैरियर वाले पेज पे, फिर हम अप्लाई का पूरा प्रोसेस जान लेते हैं कि आप कौन कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। मैं आ चुका हूँ यहाँ पे जियो ग्रुप के डायरेक्टली ऑफिशियली पेज पे, जो कि कैरियर वाला पेज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉप पे दे रखा है कि आपका पोजीशन क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, एक्सपीरियंस क्या मांगा है, स्किल कौन कौन सी चाहिए, लोकेशन क्या रहेगा। और यहाँ पे एक्शन बटन दे रखा है, मतलब कि अप्लाई का बटन यहाँ पे प्रोवाइड इन दोनों ने करवा दिए।
तो यहाँ पे वन बाय वन हम सारी वैकेंसी को डिस्कस करेंगे और हम उन्हीं वैकेंसी को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है जहाँ पे फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम चलते हैं सबसे पहले HR एग्जीक्यूटिव की जो पोजीशन दे रखी है। यहाँ पे अगर आपने BCom कर रखा है, BBA कर रखा है, BCA कर रखा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप फ्रेशर है तो आप एलिजिबल है। साइड में यहाँ पे दे रखा है अप्लाई का बटन और यहाँ पे जॉब लोकेशन दे रखी है, वडोदरा गुजरात का जॉब लोकेशन आपको देखने को मिलेगा। मतलब क्या है कि आपको गुजरात लोकेशन के लिए रिलोकेट होना पड़ेगा अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट वैकेंसी देखने को मिलेगा केमिस्ट का। तो यहाँ पे अगर आपने BBTech कर रखा है केमिकल के अंदर, BSc कर रखा है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर या फिर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर और आप फ्रेशर है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन वडोदरा गुजरात का रहेगा, अप्लाई का बटन दे रखा है। नेक्स्ट वैकेंसी देखने को मिलेगा यहाँ पे जो कि दे रखा है टेंडर एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अगर किसी में भी ग्रेजुएशन कर रखा है, BA BCom BSc कर रखा है, BBTech कर रखा है, MTech कर रखा है, ग्रेजुएशन आपका कहीं से भी हो रखा है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर कैन ऑल्सो अप्लाई एंड यहाँ पे वडोदरा गुजरात का लोकेशन रहेगा और यहाँ पे आपका अप्लाई का बटन है, इस पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी देखने को मिलेगा यहाँ पे असिस्टेंट हाईवे इंजीनियर का, ठीक है। सिविल डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाला गया है, BBTech के सिविल में अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर एलिजिबल रहेंगे, अहमदाबाद गुजरात का लोकेशन रहेगा, अप्लाई का बटन है, इस पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी आपकी बढ़िया ही देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वैकेंसी देखने को मिलेगा यहाँ पे IT इंजीनियर का, तो जिन्होंने BCA कर रखा है, BBTech कर रखा है CSIT के अंदर, ठीक है, तो आप वो उनको अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, वडोदरा गुजरात का लोकेशन है, अप्लाई का बटन है, इस पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी देखने को मिलेगा यहाँ पे जूनियर इंजीनियर का, जिसके अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, सिविल के लिए वैकेंसी निकाली है। ये आपका सीनियर इंजीनियर का वैकेंसी है NDT डिपार्टमेंट के अंदर। यहाँ पे बात की जाए केमिस्ट का वैकेंसी है, जिसमें अगर आपने BSc कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है एनवायरमेंट के अंदर, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। वडोदरा गुजरात का लोकेशन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वैकेंसी देखने को मिलेगा यहाँ पे जो कि यहाँ पे निकाला गया ड्राफ्टमैन का, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये ड्राफ्टमैन का वैकेंसी आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में, इसको अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपकी ब्रांच सिविल हो, मैकेनिकल हो या फिर इलेक्ट्रिकल हो या फिर इनसे रिलेवेंट कोई भी ब्रांच हो, जैसे कि मैकेनिकल के अंदर प्रोडक्शन भी आ जाता है, इलेक्ट्रिकल के अंदर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ जाता है, इंस्ट्रूमेंटेशन आ जाता है, तो अगर कोई भी ब्रांच है इनसे रिलेवेंट, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर कैन ऑल्सो अप्लाई और यहाँ पे वडोदरा गुजरात का लोकेशन है, अप्लाई का बटन है, इस पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी देखने को मिलेगा यहाँ पे जो आपका रहेगा ब्रिज डिज़ाइन इंजीनियर का, तो यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट रहेगा मेरे भाई डिज़ाइन का डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। MTech कर रखा है, सिविल में अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर एलिजिबल है। स्किल को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वडोदरा गुजरात का लोकेशन है, अप्लाई का बटन है, इस पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का वैकेंसी है, तो यहाँ पे बात की जाए अगर आपने BBA कर रखा है, BCA कर रखा है, BCom कर रखा है, आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, फ्रेशर एलिजिबल रहेंगे। वडोदरा गुजरात का लोकेशन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वैकेंसी देखने को मिलेगा टेक्नीशियन का, तो अगर आपने IT कर रखा है, 10th कर रखा है, 12th कर रखा है और आप फ्रेशर है, अप्लाई कर सकते हैं। वडोदरा गुजरात का लोकेशन है, अप्लाई का बटन दे रखा है, इस पर क्लिक करके आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी देखने को मिलेगा यहाँ पे हाईवे इंजीनियर का, तो MEMTech कर रखा है सिविल में, इसको अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर एलिजिबल है, ये सारे जॉब लोकेशन देखने को मिलेगी, अप्लाई का बटन है, इस पर क्लिक करके आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट वैकेंसी देखने को मिलेगा यहाँ पे प्लानिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर का, जिसमें MEMTech सिविल में मांगा है, फ्रेशर इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। वडोदरा गुजरात का लोकेशन है, अप्लाई का बटन है, इस पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस आपका सेम रहेगा, मैं आपको किसी एक वैकेंसी के लिए अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो चलिए हम अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे किसी एक वैकेंसी के लिए, जैसे कि यहाँ पे हम अप्लाई कर लेते हैं HR एग्जीक्यूटिव के लिए। तो अगर आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रखा है, यहाँ पे भी फ्रेशर एलिजिबल है, सेम प्रोसेस रहेगा। तो आपका अप्लाई वाला बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, जो आप ऊपर अभी देख पा रहे हैं ना, ये वाला बटन, इस पर आपको कर देना है यहाँ पे क्लिक। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये टैब ओपन होगा जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो पोजीशन रहेगा यहाँ पे ये वाला, वो HR एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे पोजीशन ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगा, ठीक है, इसमें ये फिल हो जाएगा ये सेक्शन। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, नेम डालना है, कैंडिडेट लोकेशन डालनी है, लोकेशन को प्रेफरेंस दे देना है। एक्सपीरियंस के अंदर अगर आप फ्रेशर हैं, तो यहाँ पे फ्रेशर तो एलिजिबल है, तो आपको यहाँ पे 0.00 फिल कर देना है, या फिर आप यहाँ पे फ्रेशर फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे पूछा है क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन में आपको क्या करना है, आपका जो भी क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि HR एग्जीक्यूटिव के लिए BCom BBA BCA ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो आप अपने ग्रेजुएशन के बारे में बता सकते हैं। करंट सैलरी के बारे में बताना है, तो अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं
तो वहां पे आपकी जो सैलरी है उसके बारे में बता सकते हैं, और अगर आप फ्रेशर है तो आप यहाँ पे 0.00 फिल कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेशर के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है तो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सेक्शन इसलिए दिया जाता है ताकि एक्सपीरियंस वाले लोगों की जो सैलरी रहती है उनको पता रहे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उनकी सैलरी यहाँ पे डिसाइड होती है कंपनी के अंदर। एक्सपेक्टेड के अंदर आपको अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी डाल देनी है, ठीक है, ऐसा मत डालना कि 15 लाख 20 लाख, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं 3.5 LPA फ्रेशर डाल सकते हैं, और जो एक्सपीरियंस होल्डर है वो यहाँ पे 5.5 डाल सकते हैं, ठीक है, 6 डाल सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम, तो आप अपना सैलरी यहाँ पे एक्सपेक्टेड डाल सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे अटैच फाइल ओनली PDF, ध्यान रखना है यहाँ पे PDF फाइल ही आपको अपना जो आपका रिज्यूम है वो अपलोड कर देना है PDF फाइल के अंदर। साइज आपका यहाँ पे 1 MB से कम होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका फाइल का साइज 10 MB हो 20 MB हो, तो आपको 1 MB से फाइल का साइज यहाँ पे कम रखना है, अपलोड हो जाएगा डायरेक्टली। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक बटन दिखेगा नीचे सबमिट का, इस पर क्लिक करके आप इसको सबमिट कर सकते हैं, आपका फाइनली यहाँ पे फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ऐसे ही आपको सारी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर देना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं टेंडर एग्जीक्यूटिव का भी वैकेंसी है, BBTech कर रखा है, किसी भी ब्रांच में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको वही जॉब प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।